लो दोस्तों, इंडिया का जो सबसे तेज ट्रेन यानी कि बुलेट ट्रेन का जो कंस्ट्रक्शन का काम है दोस्तों बहुत ही तेजी से चल रहा है और ये काम किया जा रहा है इंडिया और जापान के कोलेबोरेशन में। और ये दोस्तों इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच चलाया जाने वाला है। और इसी का दोस्तों जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम है अक्टूबर मंथ का वो मैं बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलो बताते हैं पूरी डिटेल्स में और आप लोगों को दिखाते हैं कंस्ट्रक्शन का काम। तो दोस्तों बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर है दोस्तों लगभग जो बहुत ही ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन का काम है गुजरात के अंदर चल रहा है। तो दोस्तों भलसाड से लेके अहमदाबाद के बीच काम जो है दिखाऊंगा। तो दोस्तों भलसाड से आगे जब निकलते जाएंगे तो दोस्तों टनल से गुजरेगा ये बुलेट ट्रेन, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं टनल का इस पार और उस पार पूरा का पूरा कनेक्शन। और ये भलसाड से निकलते हुए दोस्तों नवसारी की ओर अगर आप जाएंगे दोस्तों आप लोग देखने वाले हैं दमन का जो गंगा रिवर है वो वाला। और इसके बाद आगे जाते जाते आप लोग देखेंगे बहुत सारे जो पिलर का कंस्ट्रक्शन काम है वो हो चुका है। और ऐसे ही करते करते दोस्तों बलसात का जो पूरा बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कंस्ट्रक्शन काम बलसात के जो स्टेशन है दोस्तों बुलेट ट्रेन का कितना हैवी है। और उससे आगे जाते हुए अगर आप लोग देखेंगे बलसात का जो दोस्तों ये वायाडक्ट कनेक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आगे जाके पार रिवर के ऊपर जो कनेक्शन करने का काम था सभी का पिलरों का काम हो चुका है। अनुराग रिवर के ऊपर जो पिलर कनेक्शन का काम है दोस्तों वो भी हो चुका है। तो बहुत सारे नदी के ऊपर जो दोस्तों पिलर कनेक्शन का काम है मतलब मेनली ब्रिज बनाने का जो काम है दोस्तों वो हो चुका है। और ये आप लोगों को जो आप लोग देख सकते हैं नवसारी का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है उसका भी काम किया जा रहा है। मतलब हर जगह का दोस्तों मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच टोटल 508 किलोमीटर का जो सेक्शन होने वाला है अभी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का, इसका जो कंस्ट्रक्शन काम है सभी जगह में चल रहा है। ऐसा नहीं है किसी जगह में चल रहा है किसी जगह में नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों हर जगह में चल रहा है। और आप लोग देखेंगे पिलर का जो काम है दोस्तों लगभग 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो पिलर का काम है दोस्तों वो हो चुका है फिलहाल के दिनों में। बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है। और ये देखिए अंबिका रिवर के ऊपर भी जो दोस्तों पूरा का पूरा कनेक्शन करने का काम था ये पूरा का पूरा वायाडक्ट वो भी हो चुका है। और नवसारी से आगे जाते हुए अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों साइड में जो बैरिकेड लगाने का काम है दोस्तों वो भी हो चुका है। बहुत ही खास तो बहुत ही ज़्यादा नवसारी से लेकर सूरत के बीच दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हिस्सा में जो है दोस्तों पहले तो नदी के ऊपर जितना भी कनेक्शन करने का काम था पिलरों का वो तो हो चुका है और वायाडक्ट का कनेक्शन करने का तो काम हो ही चुका है। साइड में अगर आप लोग देखेंगे बैरिकेड का वो भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। नवसारी और सूरत के बीच में दोस्तों बहुत ही बड़ा सेक्शन में जो है बैरिकेड लगाने का काम भी हो चुका है। और ये आप लोग देख सकते हैं नवसारी और सूरत का दोस्तों कोलाबोरेशन का जो एक ही जगह में दोस्तों जो वायाडक्ट बनाने का काम है वो भी हो चुका है। और बहुत ही जगह दोस्तों जो स्टील गडरों का लगाने का काम है आप लोग देख सकते हैं, ब्रिज बनाने का जो काम है रोड के ऊपर में वो भी हो चुका है बहुत ही जगह में। एक्चुअली में जो काम है बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का, क्योंकि ऑलरेडी बुलेट ट्रेन जो कॉरिडोर है दोस्तों वो डिले हो चुका है। इंडियन जो मतलब NHRCL जो बना रहे दोस्तों ये पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। और ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा जो दोस्तों सूरत का रेलवे स्टेशन है बुलेट ट्रेन का स्टेशन बहुत ही हैवी। आगे जाके अगर आप लोग तापी रिवर के ऊपर जो काम है वो अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग हुआ पड़ा है, क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो चुका था और पानी का जो स्तर है दोस्तों वो भी बढ़ चुका है। तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग जगहों में भलसाड से लेकर अहमदाबाद के बीच में बहुत ही जगहों में दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं वायाडक्ट बनाने का जो काम है कास्टिंग यार्ड वो बनाया गया है। आप लोग लेफ्ट साइड में देख ही सकते हैं बहुत ही अलग अलग जगहों में दोस्तों पार्ट में बनाया गया है जो कास्टिंग यार्ड, उसमें दोस्तों वायाडक्ट बनते हैं मशीन उसमें मेंटेनेंस का काम किया जाता है उसी के द्वारा। बहुत ही अलग अलग जगह में जो बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन का काम है बहुत ही किया जा रहा है। तो ये बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिले होने के कारण जो इसका लागत है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग डबल के पास पहुँच चुका है। इसका जो पहले दोस्तों लागत था वो लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये का था, लेकिन अभी जो है ये 2,00,000 करोड़ रुपये का हो चुका है। और ये जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दोस्तों ज़्यादा हिस्सा जो है गुजरात के अंदर है, तो इसलिए गुजरात के अंदर होने के साथ साथ गुजरात के अंदर 350 किलोमीटर का लगभग बुलेट ट्रेन पूरा सेक्शन है और लगभग 150 किलोमीटर के जो सेक्शन है वो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर आता है। तो इसीलिए दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन का काम है ज़्यादातर गुजरात के अंदर आप लोगों को दिखने वाला है, मुंबई के अंदर उतना खास नहीं दिखने वाला, लेकिन होने तो उधर भी हो रहा है दोस्तों। बहुत मुंबई के आसपास के जितने भी बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो बनाया जा रहा है फिलहाल के दिनों में। और ये आप लोग देख सकते हैं खेदा का जो दोस्तों आनंद का जो बहुत ही ज़्यादा जो स्टेशन है वो आप लोग देख सकते हैं।
इसी तरह का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम बुलेट ट्रेन का आप लोगों को देखने वाले आने वाले फ्यूचर में, बहुत सारे आप लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम हाईटेक लेवल के साथ होने जा रहा है, बहुत ही हैवी है दोस्तों। ये आप लोग आनंद विहार का जो कास्टिंग यार्ड है आप लोग देख सकते हैं, अहमदाबाद का जो कास्टिंग यार्ड है वो आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही खास है ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया के लिए दोस्तों। इसी तरह का जो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट रिलेटेड, इंडिया का कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो अपडेट है वो मेरे चैनल पर आ जाता है, वो आप लोग इजीली आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है, बुलेट ट्रेन का नॉर्मल स्टेशन के पास में बनाया जा रहा है। और ये आप लोग देख सकते हैं मल्टी मॉडल दोस्तों टर्मिनल हब, साबरमती का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो बनाया जा रहा है, जो कि दोस्तों कि मतलब जो जंक्शन मॉल रहता है कोई भी मॉल उससे भी खास है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का ज़्यादातर जो स्टेशन है दोस्तों सभी के साथ कनेक्शन मिलेगा, जैसे कि एयरपोर्ट मेट्रो ट्रेन सभी के साथ कनेक्शन मिलने वाला है। इसी तरह दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो बुलेट ट्रेन से रिलेटेड अगर करोगे तो कर सकते हैं कॉमेंट में सेक्शन में, आप अगर मेरे को पता रहोगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों इसी तरह का जो इंडियन डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोज़ है वो मेरे चैनल पर आ जाता, तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। और इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का दोस्तों बहुत सारे अपडेट मेरे चैनल पर आ चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग इजीली जाके मेरे चैनल पर देख जाके विजिट करके इजीली देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। चलो गुड बाय दोस्तों।